16 शिक्षकों को 20-50 फार्मूले के अंतर्गत सेवानृति दी गई। 2 शिक्षकों की अभी उनके कागजों की जांच पड़ताल उसमें चल रही है जो 20-50 के अंतर्गत आते थे। जो 20-50 के अंतर्गत नहीं आते थे बाकी 20 शिक्षकों के हमने उनकी डी स्टार्ट की है। बाकी 26 शिक्षक जो कि हायर क्लास में पढ़ा रहे थे वो प्राइमरी लेवल के थे उनको वार्निंग दी है और उनको वापस उस प्राइमरी स्कूलों में वापस भेज दिया गया है। और 20 शिक्षक जो ट्राइबल के थे उनको ट्राइबल को लिख दिया गया कार्रवाई करने के लिए। और ये सर्विस रूल में ये कोई दंड नहीं है, ये सर्विस रूल में है कि अगर कोई सरकारी रूल में अगर के अंतर्गत अगर कार्य में अक्षमता पाई जाती चाहे वो शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो तो नियम 42 के अंतर्गत उन लोगों को सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए हमने ये निर्णय लिया है। इसमें इसको कोई हम दंड नहीं कह सकते, ये तो सर्विस रूल में है 42 के अंतर्गत के जो ये कार्रवाई हम कर सकते थे और भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है या स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन जो हमको ऐसा लगा कि नहीं जो शिक्षक या तो पढ़ाई में लापरवाही है या थोड़ा सा उनका जो भी कहें कमजोर थे तो उनको सेवानिवृत्त किया गया है, बाकी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुल 84 लोगों के खिलाफ ये जो शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। निश्चित रूप से आगे भविष्य में हम और भी मध्य प्रदेश के बच्चों की जो गुणवत्ता सुधार के लिए जो हमारी प्राथमिकता है सरकार की कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कि हम एक अच्छी शिक्षा बेहतर शिक्षा मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए दे सकें, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है।